कुमारी साक्षी तिवारी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए तथा विभिन्न शहरों में सिखवाल समाज द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए सिखवाल समाज के नाम एक संदेश दिया है। कुमारी साक्षी ने इस छोटी सी उम्र में समाज को जागृत करने का प्रयास किया है। नमस्कार, मैं साक्षी तिवारी आज आप सभी से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हमारा देश कोरोना वायरस रूपी राक्षस से एक जंग लड़ रहा है और इसमें देश का प्रत्येक नागरिक किसी न किसी प्रकार अपना योगदान दे रहा है। हमारा सिखवाल समाज भी इस पुण्य कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहा है, जिसमें हैदराबाद सिखवाल समाज द्वारा बेघर और बेसहारा लोगों को भोजन की व्यवस्था समाज के कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, कई अन्य शहरों में भी जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को भोजन की व्यवस्था करवाई जा रही है। ये एक सराहनीय कदम है। जब मैं इन सब बातों को सुनती हूँ तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं एक ऐसे सभ्य समाज से हूँ जिसके हृदय में प्रेम, करुणा, निश्चल और निस्वार्थ भावों से औरों की सेवा करने का जज्बा है। मैं मेरे समाज के प्रत्येक सदस्य से यह अनुरोध करती हूँ कि आप अपने अपने स्तर पर इस मुश्किल घड़ी में देश हित को सर्वोपरि मानकर कुछ न कुछ अच्छा अवश्य करें। अब ये प्रश्न भी आ खड़ा उठता है कि इस लॉकडाउन के समय में हम घर के बाहर तो जा नहीं सकते, तो हम देश सेवा कैसे करें? आइए मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिससे आप घर बैठे बैठे देश सेवा कर सकते हैं। पहला, सरकार के सभी नियम और आदेशों का पालन करें और सरकार का सहयोग करें। दूसरा, आप अपने अपने घरों में रहें क्योंकि यही सबसे सुरक्षित जगह है। तीसरा, प्रत्येक 2 से 3 घंटे में अपने हाथ अच्छे से साबुन और पानी से धोएं। चौथा, आंख, मुंह, नाक को छूने से बचें। यदि छूना भी हो तो छूने से पहले तथा छूने के बाद अपने हाथ अच्छे से धोएं। पांचवा, किसी भी बाहरी व्यक्ति से कम 3 से 4 फीट की दूरी बनाए रखें और हाथ को भूलकर भी ना मिलाएं, सिर्फ हाथ छोड़कर नमस्कार करें। अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि इन छोटी छोटी बातों से हम हमारे देश को कोरोना के खिलाफ जंग में जिता सकते हैं और यदि हम सुरक्षित हैं तो ही हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।